हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट करेक्शन के लिए। सभी लोग अभी परेशान है कि मार्केट इतना हाई लेवल पर आ गया है कि मार्केट में करेक्शन चाहिए। तो मार्केट में करेक्शन कब आएगा, कैसे आएगा, कौन सा लेवल बहुत इम्पोर्टेंट है? तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब तक हमें पता नहीं चलता है, तब तक हमें मार्केट को एनालिसिस नहीं कर सकते हैं और मार्केट को फाइंड आउट नहीं कर सकते कि मार्केट का लेवल किस लेवल से नीचे आए। तो हमें सावधानी से काम करना चाहिए और मार्केट को मानते हैं कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आना स्टार्ट हो गया। तो इसलिए ये इस वीडियो है, मार्केट करेक्शन देता है तो किस लेवल के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए और मार्केट करेक्शन स्टार्ट हो गया हमें कैसे पता चलेगा। तो देखिए, आज के वीडियो में मैं दो एनालिसिस करूंगा और आपको टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझाने के लिए ट्राई करूंगा। जो डाटा यहाँ से फॉर्मेशन हुआ है, आप देखिए, ये जो डाटा फॉर्मेशन हुआ है यहाँ से, देखिए ये एक मूविंग एवरेज है जिस लाइन को आप देखकर चलना चाहिए। इसमें क्या है ना, ये जो आपको 2024 यानी पिछले महीने जो जून 4th को जो डाटा आपको देखने के लिए मिला था, यहाँ से आपको क्या है ना, सपोर्ट मिला और बड़ा मूवमेंट आपको देखने के लिए मिला। यानी 21,750 से मार्केट ऐसे घुरा, देखिए ये लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है, यानी ये जो ग्रीन लेवल है ये लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है, इसके ऊपर आपको सस्टेनेबिलिटी मेंटेन हो रहा है। पिछले एक महीने से ज्यादा हो गया और मार्केट इसके ऊपर सस्टेंस हो रहा है, इसको रेस्पेक्ट दे रहा है। तो अभी क्या करेंगे ना, ये लेवल को हमें देखना चाहिए। देखिए ये लेवल कैसे इम्पोर्टेंट लेवल है और इस लेवल को आप मानकर चलेंगे तो काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको पता चल जाएगा। देखिए मार्केट अभी जिस लेवल के हिसाब से आप देख रहे हैं, जिस दिन 24,339 ये लाइन एक्सटेंशन हो रहा है, ये लाइन एक्सटेंशन हो रहा है, ये लाइन एक्सटेंशन हो रहा है, तीन बार बोला, सबसे इम्पोर्टेंट जो लाइन है इंट्राडे बेसिस के लिए वो है 24,339 ये लाइन। और जिस दिन इस लाइन आपका ब्रेक होगा, यानी ये लाइन के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये लाइन काल फिर से एक्सटेंशन हो जाएगा, यानी ये लाइन कभी 23,000 था, अभी आ गया 24,000 समथिंग, 300 समथिंग हो गया है। यानी ये लाइन जिस दिन आपका ब्रेक हो जाएगा, हम तो डेली बेसिस में अपडेट करते हैं, तो ये लाइन जब आपका अभी के लिए, यानी मैं बजट के लिए बोल रहा हूँ, और ये लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है 24,300 लाइन, ये लाइन आपका जिस दिन ब्रेक होगा ग्रीन कलर का लाइन, उसी दिन आपको पता चलेगा मार्केट में इसके नीचे में एक बार भी क्लोज दे देता है तो मार्केट मानना कि मार्केट में कुछ ना कुछ होने के लिए जा रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट, पिछले एक महीने में आप देखिए, आपको कभी भी नहीं लगा कि, आपको पता नहीं चला कि इस ग्रीन लाइन को कभी भी वायोलेट किया है, तो ग्रीन लाइन को रेस्पेक्ट दे रहा है। इसका मतलब है, आप देखिए, जिस दिन आपका ये ग्रीन कलर लाइन को रेस्पेक्ट देना बंद कर देगा, यानी कि इस लाइन को ब्रेक करेगा, तभी आपको पता चलेगा मार्केट किस लेवल तक आ सकता है। आपको पता होना चाहिए कि ये ग्रीन लेवल ब्रेक करने के बाद आपका कौन सा लेवल नीचे में है। उसके बाद आप देखिए, ये जो लेवल है 23,389, यानी यहाँ से आपको गिरा तो आपको जो सपोर्ट मिलेगा, ये सपोर्ट आपको बन जाएगा 400, 500, आपको 500 के करीब करीब ये डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, गैप दिखाई दे रहा है, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से बाउंस बैक जा सकता है, लेकिन ये आपका रेजिस्टेंस पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद ये लाइन आपका ब्रेक होता है तो उसके बाद आपको 23,300 यानी और 500 पॉइंट आपको नीचे गिरावट देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद बाउंस जाएगा और उसके बाद फिर से आपको गिरावट स्टार्ट होगा, तो ये लेवल आपको देखने के लिए मिलेगा और धीरे धीरे अपर साइड का जितने सारे लेवल होगा वो धीरे धीरे क्लोज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्रॉस ओवर आपको देखने के लिए मिल रहा है, ऐसे ही आपको अपसाइड में क्रॉस ओवर होता हुआ दिखाई देगा और धीरे धीरे आपका अपर साइड का जितने सारे डोर हुए ये धीरे धीरे आपका क्लोज हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्रॉसिंग होगा तो ये आपका डोर हो जाएगा और ये लेवल आपका क्लोज हो जाएगा, उसके ऊपर जाना इतना आसान नहीं होगा। तो मार्केट क्या करेगा ना, धीरे धीरे आपको डाउन साइड में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको पहले जो लाइन है उसको रेस्पेक्ट देना, ये लाइन है, ये लाइन यानी 24,336 ये लाइन आपका ब्रेक होगा
तो ये लेवल ब्रेक होगा, तो ये लेवल ब्रेक होगा, तो ये लेवल आपको 22,798 देखने के लिए मिलेगा। ये लेवल ब्रेक हो जाएगा तो करेक्शन कब खत्म हो जाएगा ना, करेक्शन इस लेवल पर खत्म हो जाना चाहिए 21,724। ये लेवल तक आने के बाद मार्केट में करेक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए, फिर से यहाँ पर मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। तो हमें कौन सा और कितने बटन आपको देखने के लिए मिल रहा है, सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। ये सपोर्ट आपको चार सपोर्ट देख रहा है नीचे में। पहला सपोर्ट 24,343, नंबर टू आपको दिखाई दे रहा है 23,900, उसके बाद 23,350, और उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है 22,800, और उसके बाद सबसे बड़ा सपोर्ट जो सपोर्ट को ये ब्रेक नहीं करेगा ट्रेंड बेसिस में आपको देखने के लिए मिल सकता है 21,731। और ये लेवल आपको ब्रेक हो जाएगा इसका मतलब है मार्केट में काफी बड़ा गिरावट आने के लिए जा रहा है और मार्केट कंप्लीटली डाउन साइड में चला जाएगा। जिस दिन 21,724 लाइन ब्रेक हुआ उसके बाद मार्केट कब ऊपर आएगा किसी को पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए 21,724 लाइन इज ए वेरी वेरी पीसफुल लाइन, वेरी वेरी डिफिकल्ट लाइन, इम्पोर्टेंट लाइन्स जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए। अभी के लिए जो चार सपोर्ट मैंने आपको बताया ये करेक्टेड सपोर्ट है। एवरी टाइम्स इस सपोर्ट को जाएगा, रेस्पेक्ट देगा, बाउंस आएगा, धीरे धीरे अपसाइड का लाइन आपको धीरे धीरे क्लोज होते ही देखा जाएगा। तो ये लाइन जो है, ये जो सपोर्ट है, इसको आप ध्यान रखें और इसके ऊपर फोकस करें। जिस दिन आपका ये लाइन ब्रेक होगा तो नेक्स्ट 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 और ये लेवल तक आएगा। इस लेवल पर जब भी क्रॉस ओवर होगा नीचे में सपोर्ट बनेगा तभी ये अपसाइड के जाने के लिए ट्राई करेगा। तो मार्केट अभी ऑफ ट्रेंड में है, सब ठीक ठाक है, ये लाइन को वायोलेट नहीं कर रहा है, यानी इस लाइन को रेस्पेक्ट दे रहा है। मार्केट जब तक ऊपर है तब तक पॉजिटिव है, ये लाइन जब तक ब्रेक नहीं हुआ है तब तक के लिए कोई प्रॉब्लम अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। ये पहला बात है जो मैंने आपको बजट से पहले आपको दिखाया और आपको इसके बारे में मैंने आपको आवार किया। लेकिन आप चाहते हैं ये लाइन क्या है, थोड़ा और दिमाग लगाइए और इस लाइन को समझे और इस लाइन के बारे में आप प्रैक्टिस कीजिए। देखिए ये लाइन कौन सा लाइन है जिस लाइन को ये रेस्पेक्ट दे रहा है और आगे जाने वाला है और आगे भी रेस्पेक्ट देगा, और कभी मौका मिलेगा तो वो लाइन को ब्रेक भी करेगा, वो लाइन क्या हो सकता है इसके ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात क्या है ना, मार्केट में मार्केट कितना तक करेक्शन आ सकता है ना, मार्केट तब तक करेक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा जिस दिन आपको क्या है ना, जो लाइन मैंने वहां पर दिखाया ये लाइन आपको क्या है ना, एक ट्रेंड बेसिस में दिखाई दे रहा है, एक अपसाइड ट्रेंड में जा रहा है। ये एक सीपीआर बेसिस का लाइन है और ये लाइन आपको जिस दिन इस लाइन के नीचे में 24,410 ये भी है 20,339 सेम टू सेम, यानी ये लाइन आपको इसके नीचे में आपको कंप्लीटली एक दिन क्लोजिंग दे दिया। इसके बाद कंसोलिडेटेड यानी वोलेटिलिटी ए लाइन और ए लाइन के बीच में आपको दिखाई देगा। और जिस दिन आपको क्या है ना, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई दे रहा है कि मार्केट करेक्शन आएगा, तो मैक्सिमम कितना तक आ सकता है ना, मैक्सिमम ये लेवल तक आने का चांस दिखाई दे रहा है। जिस दिन ये लेवल यानी 23,147 आपका ब्रेक हो जाएगा उसके बाद मार्केट कंप्लीटली डाउन ट्रेंड ट्रेंड चेंज हो जाएगा। जब ट्रेंड चेंज हो जाएगा तभी नीचे आने का स्टार्ट हो जाएगा। तभी हमें क्या करना चाहिए ना, सिंपल हमें ध्यान देना चाहिए ये जो लाइन आपका बिल्टअप हो रहा है 24,393, यानी मानकर चलेंगे कि 300 से 400 अभी 800 के करीब करीब मार्केट चल रहा है, 24,800 के करीब करीब। जिस दिन हमें 500 पॉइंट नीचे में क्लोजिंग दे दिया, इसका मतलब है लाइन के नीचे ये जो लाइन चल रहा है इसके नीचे में क्लोजिंग दे दिया और ये लाइन के नीचे में क्लोजिंग दे दिया, तभी मार्केट में क्या है, मानकर चलेंगे कि मार्केट एक ट्रेंडिंग चेंज कर रहा है, ट्रेंड चेंज कर रहा है, उसके ऊपर हमें ध्यान रखना चाहिए। और जिस दिन ये लाइन को ये वायोलेट करेगा यानी इस लाइन के नीचे में क्लोजिंग दे देगा, तभी आपको मान कर चलेंगे नहीं मार्केट में अभी कुछ होने वाला नहीं है, मार्केट डाउन ट्रेंड ऑलरेडी आ चुका है, हमें डाउन ट्रेंड में ही कंसंट्रेशन करना चाहिए, ऐसे आपको देखना चाहिए। ये निफ्टी के लिए मैंने बताया। बैंक निफ्टी का आप देखिए,
देखिए बैंक निफ्टी का जो देखिए ये बैंक निफ्टी का धीरे धीरे आपको क्या है ना, बैंक निफ्टी में एक ट्रेंड आपको जा रहा था और ये लाइन को आपको रेस्पेक्ट दे रहा है। जो लाइन मैंने आपको ग्रीन कलर लाइन निफ्टी के लिए दिखाया, सेम टू सेम बैंक निफ्टी के लिए भी है, लेकिन ये लाइन को वायोलेट किया था, फिर भी ये लाइन के ऊपर ये धीरे धीरे क्लोजिंग दे रहा है। इसका मतलब है ये और कुछ लाइन यानी आपको टारगेट हिट करने के लिए जा सकता है, न्यू हिट भी आ सकता है 53,393। जिस दिन ये लाइन के नीचे में क्लोज दिया और इसमें क्रॉस ओवर आ जाएगा, मेरे कहने का मतलब है मैंने निफ्टी में अभी बताया और बैंक निफ्टी में बोल रहा हूँ, इसमें जिस दिन क्रॉस ओवर आ जाएगा, क्रॉसिंग हो जाएगा, इसके बाद क्या है ना, बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। जब डाउन ट्रेंड में आ जाएगा तभी आपको क्या है ना, ये आपका सपोर्ट बनेगा, ये 1, 2, 3 और मैक्सिमम सपोर्ट क्या है ना 47,196, ये मेजर सपोर्ट है, इसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। और जिस दिन ये 47,199 के नीचे में क्लोज दे दिया, उसके बाद बैंक निफ्टी कंप्लीटली आपको क्या है ना, डाउन ट्रेंड में चला जाएगा, ओनली बाउंस आएगा, उसके बाद प्रेशर होगा, फिर से नीचे आएगा। तो अभी क्या है ना, बैंक निफ्टी जो है अभी पॉजिटिव ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहा है, और जब तक ये लाइन के ऊपर, ये लाइन के देखिए, ये लाइन के नीचे था, आपको ये लाइन को रेस्पेक्ट दिया, देखिए बाउंस आया और ये लाइन को एवरी टाइम से रेस्पेक्ट दिया, देखिए ये नीचे आ गया और ये लाइन को पहला रेस्पेक्ट दिया, नीचे आने के बाद फिर से बाउंस आया, रेस्पेक्ट दिया, फिर से बाउंस आया, रेस्पेक्ट दिया, आज क्या है ना, इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दिया है। तो इसके मतलब है ये अपसाइड में जाने के लिए तैयार हो रहा है, और जिस दिन इसमें आपको क्रॉस ओवर हो जाएगा उसी दिन क्या है ना, ये नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा और इसका सपोर्ट ये 50,239 तक ये आने का चांस आपको दिखाई देगा। जब तक नहीं हुआ है तब तक नहीं हुआ है। तो जो मेजर सपोर्ट हमें करेक्टेड सपोर्ट दिखाई दे रहा है अगस्त के बाद, मैं बोल रहा हूँ अगस्त के बाद ऐसा हो सकता है 47,199 का लाइन को वायोलेट कर सकता है, यानी आपको वायोलेट यानी आपको उस लाइन को टच कर सकता है और ये लाइन तक भी आने का चांस दिखाई दे रहा है करेक्शन के लिए। और जिस दिन इसके नीचे में क्लोज दे देगा तभी गड़बड़ी है, तभी आपको नीचे में आने का चांस बढ़ जाएगा, और कब आएगा यानी आपको बहुत बड़ा आपको करेक्शन भी देखने के लिए मिल सकता है ये लाइन के नीचे में आया तो। लेकिन हमें इसको थोड़ा सा अलग तरीके से देखेंगे, सीपीआर बेसिस में कैलकुलेशन करेंगे, तभी और थोड़ा सा हमें क्लारीफाई मिलेगा कि ये जो बैंक निफ्टी है कब तक आ सकता है, किस लेवल तक आ सकता है। देखिए बैंक निफ्टी जो है काफी कंप्लीटली यहाँ से जो लाइन क्रिएट हो रहा है, ये जो लाइन क्रिएट हो रहा था जा रहा था, इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन दिया और अभी आज क्या है ना, काफी स्ट्रॉन्गली पॉजिटिव साइन दिया है यानी क्लोजिंग दिया है। मानकर चले ये लाइन के नीचे में आपको क्लोजिंग दे दिया, जैसे ये आपको देखने के लिए मिल रहा है, और ये लाइन को वायोलेट किया, ये लाइन को आपको क्या है इसके नीचे में क्लोजिंग दे दिया है। तो ये लाइन को नीचे में यानी आप मानकर चलेंगे जुलाई लास्ट तक ये लाइन को 50,571 के नीचे में क्लोजिंग दे दिया, इसका मतलब है मार्केट बहुत बड़ा नीचे आ सकता है, यानी मार्केट में करेक्शन आ सकता है, वो करीब करीब 45,000 तक भी आने का आपको देखने के लिए मिल सकता है, यानी ये लाइन के नीचे में आपको क्लोजिंग दे दिया तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि 50,618 जब तक ब्रेक नहीं हुआ है तब तक हमें मार्केट में डाउनफॉल बैंक निफ्टी में देखने के लिए नहीं मिल सकता है। तो मार्केट में डाउनफॉल आने के लिए, मार्केट में एक बड़ा फॉल आने के लिए 50,618 लाइन ब्रेक होना जरूरी है। जब तक 50,618 लाइन यानी जो लाइन क्रिएट हुआ है जुलाई मंथ का, जो लाइन ये क्रिएट हुआ है इसके नीचे में क्लोजिंग नहीं दिया है, तब तक के लिए आपको 4,000 5,000 यानी 4,000 to 5,000 पॉइंट देखने के लिए नीचे में नहीं मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये लाइन के नीचे में ये कंटिन्यू होगा तो हमें नीचे आएंगे, तो इसलिए इसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। दूसरी पॉइंट, ये जो सपोर्ट आप देख रहे हैं इसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन था। बजट से पहले में मार्केट करेक्शन देगा तो कितना करेक्शन दे सकता है, ये टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एक्सपेक्टेशन है कि
कि ये मूविंग एवरेज एंड सीपीआर जैसे लाइन को हमें मिलाकर आपके सामने में प्रेजेंट किया कि मार्केट मैक्सिमम कितना करेक्शन आ सकता है और किस लेवल पर क्या आपको सपोर्ट मिल सकता है और कैसे बाउंस बैक जा सकता है और कहां पर फिर से बड़ा फॉल आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो डाटा है, इस डाटा को आप अच्छी तरह से देखें, स्टडी करें, तो आपको पता चलेगा किस लेवल पर कहां सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट है और उस लेवल को आपको कैसे रेस्पेक्ट कर रहा है मार्केट, तो अभी आपको पता चलेगा। दूसरी पॉइंट है ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो डाटा एनालिसिस मैंने आपको दिखाया, ये कम्प्लीटली आपका एक अवेयरनेस प्रेजेंटेशन है। आप कभी भी इस प्रेजेंटेशन को देखकर ट्रेड या इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बात करने के बाद जो हो सकता है आपसे वैसे ही आप डिसीजन ले या मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। ये कम्प्लीटली प्रेजेंटेशन एक स्टडी एंड रिसर्च प्रपोज के लिए है, तो आप इसको एक स्टडी प्रपोजल के लिए यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसे लगा आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो आप अच्छी तरह से इस लाइन को देखिए और इस लाइन को देखिए, अच्छी तरह से स्टडी कीजिए, तो ट्रेंड के साथ मार्केट का जो अप एंड डाउन का जो सिचुएशन क्रिएट होता है उसके बारे में डिटेल्स आपको पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, थैंक यू।